सपा की तरफ से आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर दलित और पिछड़ा वर्ग का जो कार्ड खेलने की तैयारी है वो दिखाई दे रही है। जी हाँ, सपा के अगर वोट बैंक की बात करें तो मुस्लिम और यादव, ये जो समीकरण है वो सपा पार्टी का रहता है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन फिलहाल कांशी राम का नाम लेकर और आज जब अखिलेश यादव की तरफ से कांशी राम की प्रतिमा पर उनका इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है और ये कहा गया है कि काशीराम के समर्थक, काशीराम की सोच को लेकर चलने वाले जो लोग हैं उन्होंने अब हाथी की सवारी को बंद कर दिया है, अब वो साइकिल पर सवार है, यानी कि अब वो सीधे तौर पर सपा के साथ है। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव के द्वारा यहाँ पर और सपा के द्वारा बड़े आंदोलन और बड़े जो कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम, वो रखे जाएंगे और कहीं ना कहीं अब सपा की तरफ से पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को यहाँ पर साधने की कोशिश की जा रही है। मिशन कांशीराम इसको नाम दिया गया है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर अब देखना होगा कि जो वोट बैंक बसपा का कहा जाता था, क्या वो कांशीराम के नाम पर सपा जिस तरह से चाहती है कि वो जो पूरा वोट बैंक है वो भी उसका लाभ जो है वो सपा को मिले, क्या यहाँ पर होता है ऐसे में जब कांशीराम समर्थित जो कई बड़े नाम हैं वो सपा के पाले में यानी कि अखिलेश यादव के पाले में पहुंच चुके हैं। नेटवर्क 10 को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। जय हिंद।